नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और स्वागत करती हूं आपका इजी लाइफ बाय शिल्पा में। आज बनाएंगे लहसुनी मेथी। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, एकदम फिंगर लिकिंग गुड। 3 से 4 व्यक्तियों के लिए मैं इसे बना रही हूं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 किलो मेथी, जिसकी की डंडियां अलग कर ली हैं, पत्ते साफ़ कर लिए हैं 2 बार पानी से अच्छे से धोकर, और अब इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें कि मैंने छीलकर 1 से 1.5 इंच के पीसेस में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं, जिन्हें कि छोटे टुकड़ों में काट लिया है। करीब 15 मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने, जिन्हें कि बारीक चॉप कर लिया है। अंदाजे के अनुसार करीब 3 से 4 चम्मच के बीच बारीक कटे हुए लहसुन होंगे ये। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, जिन्हें भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सूखे मसालों में हल्दी ली है करीब 1/2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, करीब 1.5 चम्मच लिया है ज़ीरा, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वादानुसार ले लीजिए नमक और करीब 3 से 4 टेबलस्पून एडिबल ऑयल। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल के गर्म होने पर इसमें डाल दे रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्का ब्राउनिश हो जाए तब आंच सिम पर कर दीजिए। अब डालिए हरी मिर्च और लहसुन। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सिम आंच पर ही ढाँक कर पकाइए। करीब 10 से 15 सेकेंड बाद आप देखेंगे कि लहसुन हल्का सा ब्राउनिश हो गया है। ऐसा करने से लहसुन का जो स्वाद है वो तेल में बहुत अच्छे से समा जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए कटे हुए आलू। अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर इसे लगभग पक जाने तक ढाँक कर पकाइए। बीच बीच में आलूओं को चलाते रहिए। ऐसा करने से आलूओं में लहसुन का स्वाद बहुत अच्छे से समा जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। आलूओं के नरम पड़ने पर अब वक्त है डाल देने का टमाटर। अच्छे से इसे मिक्स करना है। अब इसमें नमक डालिए आलू और टमाटर के लायक ही, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही ढाक कर पकाइए। बीच बीच में चलाते हुए चेक करते रहिए। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, तब इसमें डाल दीजिए हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये पक गए हैं। अब वक्त है डाल देने का कटी हुई मेथी। मीडियम फ्लेम पर ही सब्जी को पकाना है हमें। अब लिड नहीं लगानी है। मेथी को कभी भी ढाँक कर नहीं पकाते, नहीं तो उसका स्वाद कड़वा आ जाता है। ये अपने ही मॉइस्चर में मेथी पक रही है। समय समय पर इसे चलाते जाइए। अब आप देख रहे हैं मेथी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। अब हम इसमें मेथी के लायक नमक डालेंगे। अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देंगे। मेथी के रिड्यूस हो जाने पर ही नमक डालना उचित है, जिससे कि नमक की सही क्वांटिटी सब्जी में पड़ेगी। अब देखिए सब्जी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। हमारी मेथी का कलर भी हल्का सा ब्राउनिश हो गया है। अब इस कंडीशन पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच शक्कर। जी हाँ, शक्कर एक हीरो इंग्रेडिएंट है मेथी की सब्जी में। इसे डालने से सब्जी मीठी तो नहीं होती, लेकिन उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और इसे सबसे आखिरी में ही डालिएगा।
बढ़िया से मिक्स करके आंच बंद कर दीजिए। इसे सर्व करिए फुलकों के साथ या गर्मा गर्म पराठों के साथ, दाल चावल के साथ। इसके स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।